फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें घर पे वैक्स कैसे करनी है और क्या करना चाहिए जिससे हमें कम दर्द हो, क्या नहीं करना चाहिए और कुछ यूजफुल टिप्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने वैक्स को गरम करके रखा हुआ है। अगर आपके पास हीटर नहीं है वैक्स का तो आप घर पे भी कर सकते हैं, मार्केट से हीटर ले सकते हैं। इसका 100-150 रुपए करीब का आता है तो आप ले सकते हैं। हनी वैक्स मैंने यूज़ करी है और अभी इसको मैंने निकाल के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं पैर का एक स्पैच निकाल कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने इस पर निकाला पाउडर ताकि आपका अच्छे से निकल जाए। अगर आपके घर पे एसी है तो आप पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको इस तरीके से ग्रोथ के डायरेक्शन पे इसे अप्लाई करना है। ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ना अप्लाई करें, उससे आपको और भी ज़्यादा दर्द होने वाला है। सो हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है ऑलमोस्ट सबका डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में हमें अप्लाई नहीं करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे हमने अप्लाई करा वैक्स को। पतला लेयर, जितना पतला लेयर हो सकता है उतना पतला लेयर अप्लाई करिए, क्योंकि जितना मोटा लेयर होगा उतना ही फिर दर्द होने वाला है। सो फिर देखिए, मैंने ऐसे अच्छे से टाइटली दबाया है। जितना टाइटली दबाएंगे उतने अच्छे से आपकी जो स्ट्रैप है वो चिपक जाएगी और सारे हेयर आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो फिर मैंने इसको दबाया और फिर यहाँ से खींच दिया। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, पूरे बाल निकल चुके हैं। अब मैं कुछ यूज़फुल टिप की बात करने वाली थी। तो आपको अपने पैर में, आपने यहाँ लगाया है जहाँ अपने हेयर होते हैं, लोग वहाँ पर लगाते हैं। ये देखिए, पूरे हेयर निकल चुके हैं। सो आप जब हम देखते हैं हमारे टो जो एरिया होता है उस पर भी हमें वैक्स लगानी है, उसको कभी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आप देखेंगे कितना डिफरेंस है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कुछ पोर्शन में। ये देखिए, ये इससे क्या होगा, टैन रिमूव हो जाएगी और स्किन की डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। तो मैं आधे पोर्शन में लगाकर दिखा रही हूँ आपको वैक्स, आपको खुद ही फर्क समझ आएगा। अच्छे से टाइटली दबाना है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ का ब्लैक है और यहाँ पे थोड़ा सा स्किन निकल चुकी है। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहाँ और अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो जैसे हमने अपने हाथ की वैक्स करी तो हाथों पे ये वाला पोर्शन जो कि ब्लैक होता है, इस पे भी डबल डबल पोर्शन पे आप वैक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ डेड स्किन निकल जाएगी और आपकी स्किन भी साफ हो जाएगी। सो अब आते हैं हम अंडर आर्म्स पे। जैसे कि अगर हम अंडर आर्म्स पे वैक्स अप्लाई करते हैं तो अंडर आर्म्स पे वैक्स निकालने के बाद हमें आइस क्यूब लगाना बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि पैर की और हाथ की स्किन तो चल जाती है, वो हमारी नॉर्मली होती है। अंडर आर्म्स की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है और जब वैक्स निकालते हैं तो कई बार खून आ जाता है और कई बार ऐसा क्या होता है कि कुछ ब्लैक हो जाता है तो कुछ दाने आ जाते हैं। तो आपको कभी भी आइस लगाना नहीं भूलना। देखिए, मैंने आइस क्यूब निकाल के रखे हुए हैं अंडर आर्म्स के वैक्स के बाद। आइस क्यूब हमेशा घिसना है, इससे आपकी स्किन में सैगिंग नहीं होगी और आप काफ़ी आसानी से अपनी वाइट स्किन और मतलब टाइट स्किन पा सकते हैं। आइस का ये भी काम है, पोर्स जो ओपन पोर्स रहेंगे, हेयर निकल जाएंगे तो स्किन काफ़ी खुल जाएगी। तो पोर्स को वापस से बंद करके स्किन को टाइट रखने का काम है। देख सकते हैं इधर के हेयर भी निकल गए हैं, रिमूव हो गए हैं। तो अब देख सकते हैं, इसके बाद आइस अप्लाई करना है ताकि हमारी यहाँ की स्किन खराब ना हो। तो बस थोड़ी देर के लिए आपको आइस क्यूब लेके घिस। तो आपकी स्किन के बाद, आपको वैक्स होने के बाद अपने स्किन पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है, या तो आप मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। एलोवेरा जेल इसलिए अप्लाई कर लेना है क्योंकि आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स है वो बंद हो जाएंगे। जैसे कि हम एलोवेरा जेल को प्राइमर की तरह भी यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, जो मेकअप का इफेक्ट होता है वो स्किन के अंदर नहीं जा पाता है। तो ऐसे ही वैक्स के टाइम पर भी एलोवेरा जेल जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपकी जो स्किन के पोर्स रहेंगे वो वापस से क्लोज हो जाएंगे। जितनी डस्ट है वो वैक्स से निकल गई बाहर, डेड स्किन बाहर निकल के वापस से आपकी स्मूथ सॉफ्ट स्किन और एलोवेरा जेल से अब और भी सॉफ्ट कर देगी और स्किन को पोर्स को बंद कर देगी।
सो आपको ये टिप्स यूजफुल लगती है तो आप इसे बिल्कुल ट्राई करिए, और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस पर. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.